आज घर पर आने वाली है मेरी एक दोस्त और उसी के लिए मैं ये लंच की तैयारी कर रही हूँ। उसकी फेवरेट सब्जी बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1 कप मटर को अच्छे से छील दिया है और उसके बाद ना हम ग्रेवी बनाएंगे सब्जी के लिए। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज को रफली काट लिया है। पैन में डाल देंगे इसे और उसके बाद इसमें कुछ खड़े मसाले भी डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसमें डाला है काजू 1/4 कप, मेलन सीड्स यानी खरबूजे के बीज 1 चम्मच, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 चक्रफूल, 2 तेज़पत्ता डाले हैं मैंने इसमें, छोटे पत्ते हैं तेज़पत्ता के। और उसके बाद हम 1 से 1.5 गिलास उसमें पानी डालेंगे और ढककर इसे पकाएंगे। तो मटर को भी मैंने यहाँ पे अच्छे से पकने के लिए रख दिया है और 6 से 7 मिनट में ये अच्छे से जब पक जाएगा ना मटर, तो हम इसे छान लेंगे और ठंडे पानी में डाल देंगे। और जितनी देर में हमारी जो ये ग्रेवी है, वाइट ग्रेवी, ये पककर तैयार हो रही है, उतनी देर में हम नान का डो भी लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए, नान बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा ले लिया है। अब गेहूं का आटा मैंने यहाँ पे 2 कप लिया है, तो आधा कप मैं यहाँ पे मैदा भी ले रही हूँ। आप चाहे तो गेहूं के आटे से भी नान बनाकर तैयार कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बनाए हुए हैं गेहूं के आटे से नान, लेकिन आज मैं इसमें थोड़ा सा मैदा डालूंगी। मैदा डालने से थोड़ा सा इसका जो टेक्स्चर है ना, देखने में थोड़ा सा ये सुंदर लगेगा। और इसमें मैंने डाल दिया है 6 चम्मच दही के और 1.5 चम्मच मैंने इसमें शुगर पाउडर डाला है। 1 पिंच हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, नमक डालेंगे हम इसमें 1 छोटा चम्मच और तेल डाल दिया है मैंने इसमें 1 चम्मच। और हमारी जो वाइट ग्रेवी थी ना, उसका सारा पानी तब तक सूख चुका था, तो मैंने इसका ढक्कन हटाकर इसमें जितने भी खड़े मसाले थे ना, वो सारे निकाल दिए हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हम नान का डो लगाएंगे, तो धीरे धीरे करके हमने इसमें पानी ऐड करना है और सॉफ्ट सा डो लगाकर हम इसका तैयार कर लेंगे। और ये जो हमारे नान है ना, सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे और इतने टेस्टी लगेंगे ना खाने में कि मतलब जवाब ही नहीं है इसका। और इस नान की सबसे खास बात तो ये है कि जब ये ठंडे भी हो जाते हैं ना, तब भी ये सॉफ्ट बने रहते हैं। और किस तरह हमारे जो नान है ना, एकदम सॉफ्ट बने रहेंगे, उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी होगी, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती है ना जो आपके साथ शेयर करनी होती है और जिससे हमारी जो रेसिपी है ना, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होती है। और साथ में हमने जो व्हाइट ग्रेवी बनाई है, उस व्हाइट ग्रेवी को आप और किन किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, मतलब उससे और कौन सी अलग अलग तरह की सब्जियां बनाकर तैयार कर सकते हो एक ही ग्रेवी से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आगे चलकर। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। तो जो हमने व्हाइट ग्रेवी के लिए मसाला बनाकर तैयार किया था, वो अच्छे से ठंडा हो गया था, तो इसे मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है अब, और इसका हम स्मूथ सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं और फिर इसे अच्छे से पीस सकते हैं। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल की गरम कर लिया, उसमें मैंने 1 चम्मच बटर भी डाला है। और बटर जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा ना, उसके बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, जिसे मैंने इमाम दस्ते में पहले अच्छे से कूट लिया था। और इसे थोड़ा सा भून लेंगे हम, और जैसे इसमें से खुशबू आ जाएगी ना, और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें मटर डाल देंगे जो हमने पहले से ही पका के रेडी रखे हुए हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अदरक और लहसुन के साथ। और उसके बाद हम इसमें 1/4 कप कसूरी मेथी भी डालेंगे और अच्छे से इसे ना मिक्स कर लेंगे सभी मसालों के साथ। तो कसूरी मेथी और मटर को देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं कौन सी सब्जी बना रही हूँ। और इसमें अब हम कुछ बेसिक मसाले भी डालेंगे, जैसे नमक डाला है मैंने इसमें स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच। अब हम इसमें व्हाइट ग्रेवी भी डाल देंगे, और जितना भी व्हाइट ग्रेवी मिक्सी के जार में लगी हुई थी ना, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला और उसे भी इसी के साथ मिक्स कर लिया। और अब इसे अच्छे से पका लेंगे जब तक कि इसमें से तेल ना छूट जाए। और उसके बाद हम इसमें 1/2 कप दूध का डाल देंगे, और ये मैंने फुल क्रीम दूध डाला है। अच्छे से इसे व्हाइट ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे, एक से दो बार उबाल हम इसमें और लाएंगे, और इसके बाद हमारी जो मटर मेथी मलाई की सब्जी है ना, वो भी बनकर तैयार हो जाएगी। और सबसे लास्ट में मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच हनी का, आप चाहे तो 1/2 चम्मच चीनी का भी डाल सकते हो। और उसके बाद 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी पाउडर का भी डाला है, 1 चम्मच हम बटर का डाल देंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जी में, तो हमारी मटर मेथी मलाई की सब्जी तैयार हो गई है। और इस मटर मेथी मलाई की सब्जी में जो हमने व्हाइट ग्रेवी बनाकर तैयार की थी ना, उस व्हाइट ग्रेवी में आप और भी कई तरह की सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं, जैसे मलाई चाप, क्रीम पनीर, मटर मेथी मलाई, मलाई कोफ्ता, और भी कई तरह की सब्जियां हम इस व्हाइट ग्रेवी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो है ना कितने काम की चीज़ ये व्हाइट ग्रेवी। और हमारी सब्जी बन चुकी है, और अब बना लेते हैं हम नान। तो नान के लिए मैंने यहाँ पे जो आटा लिया था ना, उसने अच्छे से रेस्ट कर लिया है। मैंने इसे दोबारा
अच्छे से मसल भी लिया है हाथों से। और इसके बाद हम छोटी सी लोई तोड़ लेंगे, जैसे हम रोटी बनाने के लिए तोड़ते हैं बिल्कुल वैसे ही। और नान का जो साइज़ है ना, वो टोटली आप पे डिपेंड करेगा कि आपको नान ज़्यादा बड़े पसंद है या ज़्यादा छोटे, तो उसी तरीके से आप बेल लें। तो मुझे आज जो नान है ना वो छोटे बनाने हैं, तो इसीलिए मैं इसे छोटा बेल रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसे बिल्कुल छोटा बेला है और इसके अंदर लगा दिया है मैंने घी को, और घी से ही हमारे जो ये नान है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे, और इसी चीज़ से ना जो नान है ना वो देर तक भी सॉफ्ट बने रहेंगे। यानी घी लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जैसे हम भरवा पराठे बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसे ऊपर की साइड फोल्ड कर लेंगे और इसे फिर हम बेल कर तैयार कर लेंगे। तो इसे मैंने बेल लिया और ऊपर से लगा देंगे। अब हम इसमें कलौंजी और थोड़ा सा धनिया भी। तो यहाँ पे मैं जो नान है ना वो आज मतलब ना तो प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, ना मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ, और ना ही मैं इसे उल्टे तवे में बनाने वाली हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं ये नान की जो रेसिपी है ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और कोई भी इस नान को ना बना सकता है घर में बिल्कुल आराम से। और ये देखिए मुझे इतने ही बड़े नान बनाने हैं, तो मैंने इतना ही इसे बेल लिया है। और तवे को मैंने यहाँ पे अच्छे से गर्म कर लिया है, और जैसे ही तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी नान को। और जैसे ही नान नीचे की तरफ से सिक जाएगा ना, तो हम इसे पलट लेंगे, ऊपर से लगा देंगे हम इसमें घी और तेल, जो भी आपको पसंद हो। मैंने तो यहाँ पे तेल लगाया है, और जैसे ही मैंने इसमें तेल लगाया ना, तो ये फूलना स्टार्ट हो गया एकदम गुब्बारे के जैसे। तो मुझे कुछ भी एफर्ट्स नहीं करना पड़ा, आराम से ये अपने आप ही मतलब गुब्बारे के जैसे फूल गया, और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और फुला फुला सा नान हमारा बनकर तैयार हो गया। दोनों तरफ से इसे अच्छे से सेक लेंगे, तो पहला जो नान है ना वो बनकर तैयार हो गया है। और इसी तरीके से हम बाकी के नान को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये सुपर सॉफ्ट नान मलाई कोफ्ता, मटर मेथी मलाई, क्रीम पनीर, मलाई चाप, चाहे तो बना लो आप छोले, इन सभी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और बनाने में तो ये बहुत ज़्यादा आसान है ही, ना ही प्रेशर कुकर में हमने इसे बनाया, ना ही कढ़ाई में, और ना ही तवे को उल्टा करके हमने इसे सेका है। बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने इस नान को बनाकर तैयार किया है। और ये देखिए थोड़ी देर हो गई है, नान अभी भी सॉफ्ट बने हुए हैं, एकदम सॉफ्ट बनकर ये तैयार हुए हैं। तो चलिए आज की सिंपल इजी और टेस्टी लंच की थाली बनकर तैयार हो गई है, और मैंने थाली लगा दी है। और मेरी फ्रेंड को ना आज की ये लंच की थाली बहुत पसंद आई और उसने खूब जमकर खाया। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी आज की ये लंच की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो, तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलना, और हाँ मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपने इसी तरह की अगली लंच रेसिपी में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड एन्जॉय।